जहां उत्तर से दक्षिण भारत तक कड़ाके की ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। सर्दी और घने कोहरे में गुम हुई है राजधानी दिल्ली। इस वक्त अहम अपडेट, जीरो विजिबिलिटी के चलते गाड़ियों की जो रफ्तार है वो भी धीमी पड़ गई। घने कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट की 30 उड़ानें प्रभावित हुई है। तो वहीं आपको बता दें, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। कड़ाके की ठंड अभी और करेगी लोगों को परेशान। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने अब ऑरेंज अलर्ट ठंड को लेकर जारी कर दिया, क्योंकि कड़ाके की ठंड के बीच अब राजधानी दिल्ली गुम हो गई। कहां कहां कोहरा है ये भी बता देते हैं। जहां दिल्ली में घना कोहरा देखने को मिल रहा, तो वहीं हरियाणा में भी कोहरे की चादर छाई हुई है। साथ ही आपको बता दें कि जो अलग अलग राज्य, सभी जगह उत्तर प्रदेश में भी कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। तो वहीं पंजाब में भी घना कोहरा छाया हुआ है, साथ ही महाराष्ट्र में भी घना कोहरा देखने को मिल रहा है। तो इसके साथ ही बता दें कि लगातार जो कोहरे की चादर है वो राजस्थान में भी इस वक्त साफ तौर से देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में भी कोहरा छाया हुआ है, तो अलग अलग राज्यों में उत्तराखंड में भी कोहरा छाया हुआ देखा जा सकता है, जहां घने कोहरे की चादर ओडिशा में भी छाई हुई है। तो वहीं मणिपुर में भी कोहरे की चादर देखने को मिल रही और त्रिपुरा में भी घना कोहरा इस वक्त छाया हुआ। आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां भी कोहरा देखने को मिल रहा है और केरल में भी कोहरा साफ तौर से नजर आ रहा है। तो अलग अलग राज्यों में इस समय घने कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। तो हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं गुलमर्ग से और दिल्ली से स्वागत डार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दिल्ली से केशव मोहन मिश्रा। पहले बात कर लेते हैं गुलमर्ग की, क्योंकि जिस तरह से अगर बात पूरे उत्तर और दक्षिण भारत की करें तो इस समय इश्वाक तमाम राज्य हैं जिसमें कोहरे की चादर और शीतलहर साफ तौर से देखने को मिल रही। तो वहीं गुलबर्गा में भारी बर्फबारी भी हो रही, क्या कुछ माहौल वहां बना हुआ है? जी जय जी, अगर हम घाटी की बात करें, यहाँ पर जो मुख्तलिफ पर्यटक मुख्तलिफ जगहों पर जो पर्यटक स्थल है, चाहे गुलमर्ग है, सोनमर्ग है या पहलगाम है, यहाँ पर लगातार पिछले कई दिनों से जो हल्की बर्फबारी हो रही है और जो स्थानीय लोग हैं उनको काफी उम्मीदें थी कि इस बार अच्छी खासी बर्फबारी होगी और बर्फबारी के साथ साथ यहाँ पर जो मैदानी इलाकों में जो ठंड का प्रयोग जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उसमें कहीं ना उनको राहत मिलेगी। लेकिन उस तरह की यहाँ पर ठंडी में राहत अभी नहीं हो रही है, यहाँ पर लोगों को जो है अभी भी सर्दी से जूझना पड़ता है और यहाँ पर जो सड़कें हैं, जहाँ नदी नाले हैं, वो भी बिल्कुल जो है फ्रीज हो चुके और जम गए हैं। यहाँ के नजारे कुछ अलग ही होते हैं, शाम देर के यहाँ पर सर्दी काफी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जहां तक पर्यटक स्थल की बात करें, गुलमर्ग या सोनमर्ग या पहलगाम की, यहाँ पर काफी तादाद में इन दिनों जो है सयाह आ रहे हैं और यहाँ पर जो सयाहती सीजन को जो विंटर गेम्स के हवाले से हम आपको अपने नाजरिन को बताएंगे कि यहाँ पर विंटर गेम्स का भी बादलपुर जो है यहाँ पर उद्घाटन किया गया है और विंटर गेम्स बादलपुर यहाँ पर शुरू हो चुकी है। लेकिन जहां तक अब उम्मीदें हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ पर बाहर के राज्यों के साथ साथ अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, यहाँ पर तो है बाहर के राज्यों में बारिशें होती है और वादी कश्मीर की अगर बात करें यहाँ पर काफी बर्फबारी होती है। तो आने वाले दिनों में यहाँ पर मजीद बर्फबारी हो सकती है। उस बर्फबारी के चलते यहाँ की इंतजामिया जो है, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल अलर्ट पर है और उन्हें अलर्ट पर रख दिया गया, क्योंकि अभी जो वादी कश्मीर की अगर बात करें, वादी कश्मीर में अभी धुंध छाई हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फ्लाइट्स में भी जो काफी डिले होता है। तो उम्मीद यह है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर मजीद बर्फबारी हो, ताकि जो बाहर के पर्यटक है वो यहाँ की बर्फबारी का लुत्फ ले सके और जो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो पर्यटक है वो भी यहाँ गुलमर्गा में बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे। लेकिन कड़ाके की ठंड पड़ रही है, क्योंकि केशव बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में भी जो कोहरे की चादर है उसने पूरी राजधानी दिल्ली को गुम करके रख दिया, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से कोहरा छाया हुआ है, जो विजिबिलिटी है उसके चलते शून्य हो गई है, तो लोगों को भी काफी ज्यादा परेशानियां आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल राजधानी दिल्ली में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है और इस वक्त घना कोहरा जो है वो दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। टेम्परेचर जो है वो न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से भी कम हो चुका है। लगातार दिल्ली के लोग कड़ाके की ठंड का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली के अगर हम बात करें तो तमाम मौसम विभाग का यही कहना है कि अगले 48 घंटे में दिल्ली में इस कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, क्योंकि मौसम जो है वो तकरीबन 12 बजे तक की अगर हम बात करें, दोपहर 12 बजे तक है कड़ाके की ठंड बनी रहती है, फिर शाम होते होते फिर एक बार जो ठंड है वो दस्तक देने लगती है, लेकिन पूरा दिन जो है वो ठंड के साथ गुजरता हुआ दिखाई देता है। अब ऐसे बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से अब कोहरे की चादर छाई हुई